यो व्हाट्स अप गाइस, हर्ष हियर एंड स्वागत है आप लोगों का एक और नए और बेहतरीन माइनक्राफ्ट के गेमिंग एपिसोड में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी शवल में, जो कि हम हिंदी में उसको फावड़ा कहते हैं, आप उसमें कौन सी इंचेंटमेंट लगा सकते हो और उसे बना सकते हो एकदम गोल्ड लेवल वाली शवल। तो यार वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर अपनी स्वॉर्ड पर इंचेंटमेंट लगानी है या फिर आपको अपनी पिकेक्स पर इंचेंटमेंट लगानी है और आपको पता नहीं है कि मेरे को कौन सी इंचेंटमेंट लगानी चाहिए, तो यार आई बटन पर आपको दो वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपनी स्वॉर्ड पर कौन सी इंचेंटमेंट लगा सकते हो और पिकेक्स पर भी कौन सी इंचेंटमेंट लगा सकते हो। तो यार वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अब तो बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक डायमंड शॉवल, क्योंकि यार किसी और के मटेरियल के शावल को आप क्यों इंचेंट करोगे, मतलब क्या फ़ायदा उसका। सबसे पहले आप लोगों को चाहिएगा एक शॉवल, दो शॉवल ले लीजिए, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले मैं आप लोगों को सारी इंचेंटमेंट का मतलब बता देता हूँ। तो यार सबसे पहली इंचेंटमेंट है हमारी एफिशिएंसी 5। इसका मतलब है कि आप कितनी जल्दी किसी लोग को तोड़ सकते हो, तो इसकी ये फिफ्थ लेवल है जो कि एकदम मैक्स है। एंड दूसरी इंचेंटमेंट है हमारी अनब्रेकिंग, जो कि आपको नाम से पता चल ही होगा कि ये जो इसकी एबिलिटी है वो और लॉन्गर हो जाएगी और ये बहुत कम एबिलिटी बहुत धीरे ख़त्म होगी। तो यार ये तीन गुना ज़्यादा चलेगी, पिके तीन गुना से भी ज़्यादा चल सकती है शोवल। और मेंडिंग, जिसका मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी भी तरीके से अगर एक्सपी मिलती है और अगर आपके हाथ में ये वाली शोवल है जिसमें अगर मेंडिंग की इंचेंटमेंट लगी है, तो यार ये अपने आप ही रिपेयर हो जाएगी एक्सपी के साथ। तो यही फ़ायदा है मेंडिंग का। एंड द लास्ट इंचेंटमेंट इसकी द सिल्क टच। अब सिल्क टच का क्या यूज़ है, अगर आप ये ब्लॉक तोड़ते हो तो वेट मुझे पहले सर्वाइवल में आने दो। तो सबसे पहले मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर मैं सर्वाइवल में जाऊँगा सिल्क टच को यूज़ करने के लिए। तो यार एक काम करते, सारी इंचेंटमेंट लगा लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने आप लोग मतलब तो बता ही दिया है। तो यार मैं टेस्ट भी कर दूँगा और कंपेयर भी कर दूँगा जो पिकेक्स है, नॉर्मल पिकेक्स और जो है आपकी इंचेंटेड पिकेक्स, नहीं शोवल, सॉरी मैंने पिकेक्स बोल दिया। तो यार मैं पहले एक और शोवल ले लेता हूँ हाथ में। तो यार हम किसी भी ब्लॉक को अगर शोवल से तोड़ते हैं, जस्ट लाइक ये जो हमारी डर्ट है, तो हमको डर्ट मिलती है जो नॉर्मल डर्ट है वो, पर अगर हम सिल्क टच वाली पिकेक्स से तोड़ेंगे तो हमको ये वाले ब्लॉक्स मिलेंगे, ग्रास ब्लॉक्स। पर आप देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी मैं तोड़ पा रहा हूँ सारे ब्लॉक्स, कितनी जल्दी मैं तोड़ पा रहा हूँ। और अगर हम इस पिकेक्स से तोड़ इस शोवल से अगर माइन करते तो कितने धीरे हो रहा है, लेकिन जो हमारी सिल्क टच है वो कितनी जल्दी तोड़ पा रही है किसी भी ब्लॉक। जस्ट लाइक अगर हम इसे तोड़ते हैं तो यार कितनी जल्दी तोड़ दिया है इसने सारी चीज़ों को, सेंड हो या फिर कुछ भी हो, एंड इसे भी बहुत जल्दी तोड़ देती है ये, अगर जैसे आप देख पा रहे हो। और इसने ये दूसरे ब्लॉक भी माइन कर दिए, अगर हम अगर छोड़ते नहीं है तो यार ये और सारे ब्लॉक्स भी माइन कर देती है जैसे कि ये। और यही फ़ायदा हमारी शोवल का। तो आप लोगों को ये चारों इंचेंटमेंट लगा लेनी है। और अब बात करते हैं कि आपको इसमें फॉर्चून लगानी चाहिए या नहीं। तो यार फॉर्चून मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्चून लगा के इसमें। तो आप देख पा रहे हो कि जो इंचेंटेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसमें फॉर्चून लगाते तो इसका इतना कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर हम कोई से भी ब्लॉक को माइन करते हैं, जैसे कि ये हमारा ग्रेवल है, नहीं ग्रेवल नहीं, हमारे पास क्ले के ब्लॉक्स, अगर हम इसे नॉर्मल पिकेक्स से माइन करते हैं तो हमें चार ब्लॉक्स मिलते हैं, और अगर हम सिल्क टच से करते तो हमें पूरा का पूरा ब्लॉक मिल जाता है। बट अगर हम फॉर्चून वाली पिकेक्स से करते हैं तो यार हमको चार ही मिलेंगे। देखो ये मैंने तोड़ा, फिर चार मिले। तो यार इसका कोई फ़ायदा नहीं, आप अपनी शोवल में तो यार बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि ये वेस्टेज होगा फॉर्चून का। आपको करना क्या है कि आपको बस अपनी पिकेक्स में ही लगाना है, आपको करना क्या है कि आपको बस जो फॉर्चून 3 है वो अपनी पिकेक्स में ही लगाना है याद से। एंड आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो यार ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो यार कमेंट कर देना। और अगर आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ देखनी है, जैसे मेरा एक खुद का जो टॉक शो है माइंड ट्यूब टॉक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक है, तो अगर आप उसके भी एपिसोड इन्जॉय करना चाहते हो तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप वो एपिसोड्स देखना चाहते हो तो यार मेरी प्लेलिस्ट में मैंने अलग से बना के रखे हैं, और अगर और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो यार ज़रूर से उनको भी चेकआउट कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी।